एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है, इसका आज का मैंने टॉपिक ये रखा है कि वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, करती हैं भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल ये आपके पार्टनर के बारे में है, जिनके आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, किस तरीके से वो किस वजह से आपसे इतने नखरे कर रहे होते हैं, या क्या प्रॉब्लम होता है उनका, किस तरीके का बिहेवियर है वो, एग्जैक्टली आपसे क्या चाहते हैं, वो चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली ये रीडिंग जो है कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग की जाएगी, और साथ ही साथ जनरल रीडिंग होगी। जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, कुछ लोगों पे कर जाएगी, कुछ लोगों पे नहीं करेगी तो किसी और की वीडियो भी देख सकते हो और उससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शफलिंग के दौरान चाहूंगी आप अपने पर्सन का अच्छे से ध्यान करें, ध्यान करने मत चले जाए, मतलब इमेजिन करें। ओके, सो शुरू करेंगे लेके प्रभु का नाम, मुद्दे को भटकाएंगे नहीं, यहाँ वहाँ एकदम मुद्दे पे आ जाएंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, राइट? लड़का लड़की जरूरी नहीं है, और आपको जो फोकस करना है वो इस चीज पे फोकस करना है कि आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर क्या है, लड़का या लड़की। ठीक है, तो मैं थी बोलूँ या था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं किसकी एनर्जीज देख रहे हैं आप। ठीक है, वरना मोर्चा लेकर निकल जाएंगे, दीदी ने थी या मतलब लड़कों के लिए बहुत बोला है, लड़कियों के लिए नहीं बताया है, तो ऐसा मत करना। सभी के लिए एक ही समानता है, आप अच्छे से जानते हैं आपके पर्सन या पर्सन ही कौन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन यानी कि उनके पार्टनर उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। फोर ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ वॉन्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बी चैरियट, और ओके लास्ट मैंने उल्टा किया, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कार्ड्स दिख रहे होंगे। अरे दिखेंगे क्यों नहीं, सेटअप जो चेंज हो गया है। सो थोड़ी बहुत शोर आ सकता है क्योंकि आसपास थोड़ा सा काम चल रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं ड्रिलर चलने लगे, कोई दीवार का प्रॉब्लम चालू हो जाए या कुछ ना कुछ। थोड़े दिन एडजस्ट करो, बहुत जल्दी मेरा अपना अलग ही एक सेटअप, एक और अलग ऑफिस में काम होगा जिसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दीदी ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर कुछ जुगाड़ कर लिए हैं फाइनली। ठीक है, सो कई हद तक मैं अब आपके रीडिंग के टॉपिक पर आती हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी और लियो एरिस सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई साइन आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो एनर्जी भी बहुत दिख रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, कैप्रिकॉन भी हो सकती है। ओके, सो आपसे क्या उम्मीद करते हैं आपके पर्सन? कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आप जीवन में हर क्षण में खुश रहें, मतलब हैप्पी रहने की कोशिश करें। जो आप लाइक एक आपका स्वभाव और आपके पैटर्न में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आप जो पहले पर्सनालिटी थे वो अब आज बिल्कुल नहीं है, आप बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए, जिसमें ना लाइक पहले आप बहुत हंसते थे, मुस्कुराते थे, छोटी छोटी बातें भी आप ऑब्जर्व नहीं करते थे, आपको बस लाइक ब्लश करना आता था या शर्मा जाना आता था, या बोलते ना कि बहुत ज़्यादा एक चहक सी इन्होंने आपके फेस पे देखी, हमेशा हमेशा आपको हंसते हुए देखा, हमेशा आपको ग्रेटफुल होते हुए देखा। आप हर छोटी छोटी बात पे भी ना बहुत ग्रेटफुल फील करते थे कि अरे सो स्वीट, थैंक यू, वो वाली एक एनर्जी रहती थी जहाँ पर आप हर चीज़ को लेकर एक्साइटेड रहते थे। बट अभी बहुत टाइम से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एनर्जीज में ना बार बार वही बातें चलती है कि मूव ऑन कर लेती हूँ या मूव ऑन कर लेता हूँ और चीज़ों को चेंज कर देता हूँ, ये तो सुधर ही नहीं रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं आपकी इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ओवर एक्सपेक्ट करने लगे हो, कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि आप जो है ना ओवरली अपने पर्सन के लिए करने लगे हो। ठीक है, अपने अपने पार्टनर के लिए आप जरूरत से ज़्यादा चीज़ें करने लगे हो, जिसके कारण क्या हो गया कि आपको ऐसा लगता है कि रिटर्न में उतना मुझे भी मिलना चाहिए। अगर मैंने प्यार दिया है तो मुझे भी प्यार मिले, अगर मैंने सच्चाई दिखाई तो तुम भी सच्चे बनो, मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया तो तुम भी चीट नहीं करोगे। पर क्या होता है ना कि हर एक इंसान में डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, हर एक इंसान के नक्षत्र डिफरेंट होते हैं, नाम इसीलिए तो अलग अलग होते हैं काफ़ी लोगों के, राइट? बर्थ डेट्स अलग होती हैं, पैटर्न्स अलग होते हैं। किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार में आप देखोगे कि पागलपन है, और किसी को देखोगे कि इतना चीटिंग करेंगे कि हद नहीं। मतलब जब भी कोई लड़की देखूँ मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले या ओली ओली जो करती फिरते हैं, ऐसे एनर्जीज बहुत होते हैं हमारी दुनिया में। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो दिखेंगे बहुत साफ सुथरे लेकिन अंदर से कुछ और होंगे।
तो वही एनर्जीज मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हैं कि आप खुद सच्चे हैं तो लोग भी सामने सामने सच्चाई दिखानी है। आपने इतना केयर कर लिया, आपने सामने वाले के पैर दबा दिया, हाथ दबा दिया, सर दबा दिया, तो रिटर्न में वो भी आपका सर दबा दे या कम से कम हाल ही पूछ ले। ज्यादा नहीं चाहते हो आप, रिटर्न में थोड़ा बहुत चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो भी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं आपकी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस आपसे आपकी नहीं होनी चाहिए उनसे। वो जो करेंगे अपने लेवल पे बेस्ट करेंगे, बट आपने पहले ही अगर सोच लिया तो उसका मजा क्या। मान के चलो इनको आपको सरप्राइज देना है बर्थडे का, कि चलो बर्थडे पे मैं कुछ स्पेशल करूंगा और इसको बताऊंगा नहीं। पूरा दिन इन्होंने नौटंकी पेली कि भाई अरे मैं तो बिल्कुल भी भूल गया, मुझे तो तुम्हारा बर्थडे याद ही नहीं, कौन सा बर्थडे, क्या बर्थडे। पर आप इतने में ही शुरू हो गए, अरे मेरा बर्थडे भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा तांडव मचाया, ब्लॉक कर दिया, रिटर्न में कुछ ना कुछ ऐसे पैतरेबाजियां की कि उनका जो शाम का आपके लिए प्लान था या सरप्राइज देने का कोई प्रोग्राम था वो ही कैंसिल हो गया। क्योंकि अब आप ब्लॉक करके बैठ गए, मुंह फुलाकर बैठ गए, तो अब वो आपको बात कैसे करें, आपको कैसे बताया कि उनके मन में क्या है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के कारण आपने रिएक्ट कर लिया, अब रिएक्ट कर लिया तो उनको भी गुस्सा आ गया कि भाई अरे मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी इसको दिख नहीं रहा है। तो वो तरीके की एक प्रॉब्लम है आप दोनों के कंपैटिबिलिटी में, जिसमें आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप इनसे उम्मीद करके बैठे हो कि ये आपको कमिटमेंट दें, ये आपको बहुत ज़्यादा लाड़ दें, ये एकदम सर पे चढ़ाएं, आपके अलावा तो दुनिया में किसी को देखे भी नहीं, मतलब किसी को भाव ही ना दें। मैं मानती हूँ आप लोग में से कुछ लोग एग्री नहीं करोगे, अरे दीदी मैंने तो इतना तो कभी किया ही नहीं, ऐसा तो मैं कभी बोलती ही नहीं, ऐसा तो कभी मैंने बोला ही नहीं। नहीं, एक्चुअली फैक्ट इज़ ये उनकी थॉट्स है, ठीक है, ये उनके थॉट्स है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आप हर दूसरे इंसान को जो इनकी ज़िंदगी में होता है उसे गलत समझ लेते हो। आप इनसे इतना प्यार करते हो ना कि क्या होता है ना कि कोई दूसरा इनसे बात कर रहा है या इनसे पैसे उधार ले रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे आपके बंदे को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या आपकी बंदी को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप उसकी मदद करने की कोशिश करने लगते हो। तो पर आपके पर्सन का कैसा है ना, वो चाहते हैं कि वो जो भी मैटर है, चाहे उनको फूल किया जाए, लाइक बेवकूफ़ बनाया जाए, जो भी किया जाए, वो उनका लुकआउट है, आप उनको परेशान ना करें। ठीक है, बार बार जो मैं मायके चली जाऊंगी वाली धमकी बिल्कुल ना दें, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत ब्लैकमेल कर रहे हो, इरिटेट कर देते हो। इतनी बार ऑन एंड ऑफ आप लोगों को सिचुएशन में हुआ है ना कि ये इतना इरिटेट हो चुके हैं, जहाँ पर इनको चाहिए कि आपके साथ फ्रेश स्टार्ट जरूर हो, लेकिन ये रोज रोज की नाटक जो है वो खत्म हो जाए, जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का मनमुटाव कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाए, कि भाई ऐसा हो ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी, जैसे पहले हंसते थे, इंजॉय करते थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, वैसे करें, जहाँ पर ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर सके। बट प्रॉब्लम ये हो गया ना कि अब आपको चाहिए एक हैप्पी फैमिली, उसमें सब कुछ अपने हिसाब से बेस्ट चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो अब इनको ऐसा हो गया कि आप इतना ज़्यादा उसको लेकर ऑब्जेस्ड हो गए हो ना, ऑब्जेस्ड मतलब उसको लेकर इतना क्रेजी हो चुके हो कि ये कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जिसको लेकर इनको ऐसा लगने लगा कि अरे यार इसको और कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको तो यही चाहिए सिर्फ कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। अरे ठीक है, स्टेबिलिटी एक समय के बाद आ जाएगी, ये पगला क्यों रही है। तो वो वाली एक एनर्जी में जहाँ पर आ गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों मतलब इस तरह से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ में पेशेंस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, या अगर किसी और से इनकी समझो शादी हो गई है, अगर फिर भी आपको टाइम दे रहे हैं, या लाइक उदाहरण है, प्लीज़ हाँ मेरे ऊपर हल्ला बोल मत कर देना कमेंट बॉक्स में, दीदी ऐसा बोला, मतलब नहीं सिर्फ उदाहरण है, ठीक है सिर्फ उदाहरण है, माफ़ करना मुझे, ठीक है, कितना डरती है दीदी। सो काफ़ी हद तक मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मान के चलो अगर ये मैरिड है ऑलरेडी और इनका जो है ये उधर घर में ज़रूर रहते हैं लेकिन बाहर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जो आपकी शिकायतें हैं वो ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा अभी तुम घर गए, अच्छा तुमने गुड नाइट बोला, इसका मतलब तुम उस चुड़ैल के साथ बिजी रहना चाहते हो, तुम उसे टाइम दे रहे हो, जबकि पूरा दिन 24 घंटे आप दोनों ने एक दूसरे से बातें की होगी, पूरा दिन का वक्त उन्होंने आपको दिया है, लेकिन रात को जब वो अपने घर चले गए और बोले भाई सोऊंगा तो चाहिए ना अपने घर जाकर, तो आपने उठा लिया डंडा कि अच्छा बेटा इतनी जल्दी वाला गुड नाइट, रोज तो तुम ठीक 12:05 को सोते हो, आज तुमने 12 ही मुझे गुड नाइट क्यों भेज दिया। मतलब जो आप उनको हैरेस कर देते हो भाई साहब, वो 5 की जल्दी भी ना आपके लिए उनके लिए लाइक उनका सर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। तो उनको ना मतलब .12:05 पे ही आपको मैसेज करना है कि गुड नाइट, उससे अगर 5 की लेट हो गई ना तो सामने वाला गया। तो आप जो है ना बहुत ज्यादा ऑब्जेस्ड हो गए अपने पर्सन को लेकर, प्यार 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 प्यार, अपना कोई वजूद ही नहीं बनाया, और ये चाहते हैं कि आप अपना कोई वजूद बनाएं जहाँ पर आप खुश रहें, हैप्पी रहें, जहाँ पर आप पहले हंसते थे जैसे वैसे रहें, आप जो है शक्की नानी ना बने कि भाई इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या, ये चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में फोकस रहें। आपका प्रॉब्लम ये हो गया कि आप इनकी जीवन में सब जानना चाहते हो, क्या चल रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में, क्या चालू है, ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है, ये मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं, इनको ऐसे कि अरे भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त कर रहा हूँ, तुम मेरे पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो।
ये सोच रहे हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आप इनको बार बार प्रूफ देने को लगाते हो कि प्रूफ करो तुम मुझसे प्यार करते हो, एक्शन लो, प्रूफ दो, कमिटमेंट लाओ, प्रूफ दो, स्टेबिलिटी लाओ. तो वो बोल रहे हैं अरे भाई कितने प्रूफ, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं होता है. मैं हर हर एक थोड़े टाइम के बाद एक प्रूफ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा शुरू हो जाता है. तो मतलब ऐसा हो गया कि ना आपके पर्सन या पर्सन इतने हैरेस हो चुके हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं काश ये सुधर जाए. मतलब आप उनसे सुधार की उम्मीद कर रहे हो, ये आपसे सुधार की उम्मीद कर बैठे हैं. इनको लगता है कि ये अपने हालातों को जब आपसे कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि यार मेरे ऐसे हालात हैं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता, ये कारण है, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, तो आप उन हालातों को समझने नहीं लगते हो. बजाय उसके आप जो है तांडव एकदम चालू कर देते हो, महाभारत शुरू हो जाती है. मतलब एकदम तीर वीर लेके ये धनाधन तीर पे तीर छोड़कर चले जाते हो उसके ऊपर. सामने वाला जो है तीर खाकर भी बाज नहीं आ रहा है. मतलब इतने तीर लग चुके हैं फिर भी आपके पास मरता खपता आ ही रहा है कि प्लीज सुन लो मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ तुम समझे. तो आप तो भरोसा करने के लिए रेडी नहीं हो. अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पर्सन या पर्सन ही हरकतें ही ऐसी करते हैं कि जिस पे आपको गुस्सा आ जाता है. आपको लगता है कि इसको तो तीर दिया, इसको तो मतलब डंडा वंडा जो भी है फेंक के मारो. लाइक इस तरह की होता है किसी किसी का एनर्जी. बट आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि उनको लग रहा है कि आप उनको समझते ही नहीं हो कुछ भी चीज़ों में. कोई चीज़ों में जब वो आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो मेरी बात ऐसी है नहीं वैसी है, तो आप जो है सुनने के लिए सुनते जरूर हो. ऐसा नहीं कि आप अच्छे लिसनर नहीं हो, आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप सुनते भी हो, मोटिवेट भी करते हो, लेकिन बाद में ना उसी चीज का मुद्दा बनाकर उनको ऐसा पेल देते हो, ऐसा बुरी तरह जो आप उनकी हालत खराब करते हो कि क्या ही बताएं. मतलब आप उनका बिल्कुल बोलते ना एक झटके के साथ बलात्कार ही कर देते हो. उनको पूरे वाले बोलते ना, अगर उन्होंने गलती से आपको पुरानी बात कोई बता दी, यार ये दोस्त जो है ना इसको मैंने पैसे दिए थे और उस टाइम पे ना इसने पैसे नहीं दिए, तो आप क्या बोलते हो कि अरे यार तुम कितने दयालु हो, तुम कितने स्वीट हो यार, लविंग केयरिंग, कितने तुम कितना सोचते हो ना सबका, तुम कितना मतलब देवी हो, तुम देवा हो, लाइक जो भी व्हाट्सो एवर आप तारीफ कर दो. बाद में कुछ दिन के बाद झगड़ा होता है और उसके बाद आप बोलते हो हाँ, मैं जब भी तुम्हें कुछ समझाती हूँ ना तुम्हें अपना ही दिमाग चलाने की आदत है. देखो तुम ये तुमने उस दोस्त को भी दिया था ना 5,000, क्या हुआ, मुंह की पड़ी ना, अच्छे से गिरे ना, क्या मिला तुमको पैसा, कुछ नहीं मिला ना, धज्जियां उड़ गई ना तुम्हारी. अब बताओ तो सामने वाला बोले अरे कल तक तो मैं इसके लिए देवी देवता था भाई, मेरे को तो एकदम दान धर्मी बताया इसने, पूजा करना शुरू कर दी, आज वही टॉपिक मेरे पे भारी पड़ गया तो सामने वाला गया. कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप प्यार को एक्सप्रेस करें लेकिन ओवर डू ना करें. वो चाहते हैं कि कभी आप उनको भी मौका दें कुछ चीजें खुद करने का. अब हर इंसान की जो सोच विचार है डिफरेंट होती है, राइट. क्या होता है ना कि आपकी उम्मीदें हैं कि वो आपको बिल्कुल रोमांस 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 दे, डेट्स पे ले जाए, ट्रैवलिंग लेके जाए अपनी. अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, आप लोगों ने पिक्चरें बड़ी देख ली है, पिक्चरें इतनी देख ली है ना कि आपको लगता है कि राज और सिमरन ही होते हैं पूरी जिंदगी में. जो पिक्चरों में क्या लल्लू पच्चू करते रहते हैं पूरा टाइम, अरे सिमरन अरे राज अरे वेरे वे, बोलते ना प्यार 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 चलता रहता है. तो आपको लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, रियल लाइफ में भी ना ऐसा प्यार 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 पागलपन. भाई अगर किसी ने गोस्ट कर दिया तो आप ये नहीं सोचोगे कि बातचीत क्यों बंद कर दी, मतलब बातचीत क्यों बंद, अगर बातचीत बंद कर दी तो आप ये सोचोगे कि चालू हो जाओगे 50 मैसेजेस, बात कर मेरे से, बात कर मेरे से, बात कर, सामने वाले को इरिटेट कर दोगे और सामने वाला बोलेगा अब मैं कैसे बात करूं भाई, ये तो रुक ही नहीं रही, खुद रुकेगी, पेशेंस ही नहीं, थोड़ा मुझे टाइम दे, थोड़ा तुम भी टाइम लो, ब्रेक लेते हैं, थोड़ा टाइम के बाद मैं ठीक करता हूँ चीजों को या ठीक करती हूँ. बट आप जो है रफ्तार पे 50 मैसेज डाल दोगे और उसके बाद उसको बैठ के बोलते हो, उसके बाद उसको बोलोगे कि तुमने रिप्लाई नहीं दिया. वो इतनी बड़ी लिस्ट दिखाएंगे, बोलेंगे भाई इतने मैसेजेस का मैं कैसे रिप्लाई कर पाता. ठीक है, सिचुएशंस को समझने चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप उनकी सिचुएशंस को समझें. ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं बट ये आपको बार बार सबूत देकर थक चुके हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. एक्शंस लेना चाहते हैं बट टाइम भी उतना ही चाहते हैं. ये चाहते हैं कि टाइम लें, फोर्स मतलब बोलते ना घोड़े पर सवार होकर एक झटके में ना आ जाए कि भाई ठीक है अभी तुमने बोला ओके, मतलब जो हुक्म हो मेरे आका. और एक बात मैं आप लोगों को खुलकर बता देती हूँ, चाहे आप इस चीज़ से एग्री करो नहीं करो, लेकिन ये जो आपका बंदा या बंदी जो भी है ना, इनका ये जो टालने का तरीका है, एक्शन ना करने का लेने का तरीका है, या आपके लिए कभी कभी कुछ चीज़ों को ना एक्सप्रेस करने का तरीका ही है ना, जो मतलब कई कई बार कुछ चीज़ों में आप एक्सपेक्टेशंस करते हो और रिटर्न में वो कुछ करते नहीं हैं, तो यही आपको पागल बना देता है. आप इसको लेकर क्रेजी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हो कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसके लिए मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, भाई कमिटमेंट क्यों नहीं लाया, आया तो बात किया तो ऐसे क्यों एक्टिंग की मेरे सामने, या मुझे क्यों घोस्ट कर लिया. मतलब वो बोलते ना अलग अलग पैटर्न में सोचने लगते हो. होता क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले के अंदर घुस गए हो, ऐसा घुसे हो कि वहां से निकल ही नहीं पा रहे हो. ठीक है, तो आपके पर्सन ही आपसे कहते हैं कि थोड़ा समय दो, हमें भी समझने दो, तुम भी समझो. अगर उन्होंने धोखा दिया है तो वो भी वो सोच रहे हैं कि हमने क्यों धोखा दिया, हमें उतना भी समझने के लिए टाइम दो कि भाई हमने चीटिंग क्यों की, ऐसा क्या हो गया जो हम दोनों के रिश्ते में मुझे चीट करना पड़ा, क्या मैं तुमसे खुश तुम्हारे से खुश नहीं था या तुमसे. लाइक होता ना कि एक समय चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे एक दूसरे को समझना पड़ जाता है.
बोलते ना कि परिवार में अगर ऑब्स्टेकल्स है तो थोड़ा स्पेस देना होता है कि ठीक है थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएंगे, बच्चों के जैसे नहीं है, एक झटके में होगा, टाइम लगता है। तो वो जो स्पेस लिए हुए ना, उस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो और उनको एकदम फोर्सफुली चीज़ों को करने को लगाते हो ना, वो चीज़ें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि आप थोड़ा सब्र रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और बैलेंस बनाएं सभी के साथ। उनको चाहिए कि आप जिंदगी में सिर्फ एक के साथ निभाते ना रहें, यानी कि ऐसा ना करें कि प्यार 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 करके पागलपन ही आपने कर रखा है कि भाई ये बंदा ये बंदी ये यही से बात करें 24 घंटे इनके साथ। नहीं, ये चाहते हैं आप अपने जीवन में हर स्वरूप में बैलेंस्ड रहें। ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है यहाँ अपने काम पे भी ध्यान दें, अपने परिवार पे भी ध्यान दें, अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उन पे भी ध्यान दें, आप इस पर्सन या पर्सनी पे भी ध्यान दें। चाहे ये 1000 चीज़ें आपको बोल दें कि ये फ्रेंड गलत है, तुम इससे बात मत करो, तुम इसे मत देखो वो, पर ये उनका अब पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ कर जो दूसरों से आप कट ऑफ कर लेते हो खुद को, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है कि मैं अपना तर्क रख देता हूँ या तर्क रख देती हूँ और इसका कुछ और ही ले लेते हैं मतलब। या इनसिक्योरिटीज़, आपकी एक अलग लेवल की पॉसेसिवनेस, एक अलग लेवल की इनसिक्योरिटीज़ इनको पागल कर देती है। इनको लगता है कि अरे भाई इसको संभालूँ कैसे। वो अपने लाइफ में ऑलरेडी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत सर्कमस्टेंसेस ऐसे खड़े होते हैं जहाँ पर ये खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं या बंधी हुई महसूस करते हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि इन्हें कोई नहीं समझ पा रहा। ऐसे में जब ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि अरे तुम ये क्यों नहीं समझ रहे, तुम वो क्यों नहीं समझ रहे। तो ये पर्सन जो एग्जैक्टली चाहते हैं वो आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, ये चाहते हैं कि आप इनको समय दें। कोई चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं हो पा रही है तो उस चीज़ को लेकर एकदम से ऐसा रिएक्ट मत करें। ये उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझें कि आप दोनों एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, आपके जैसे ये नहीं हो सकते, इनके जैसे आप नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेती हूँ, जब अब बात निकली ही है तो मैं बताती हूँ। कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल, चाहे सोलमेट हो या ये जो आपको बार बार कहा जाता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि अरे आप बहुत ज़्यादा गुड गुड सोचना लगो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाओ और एकदम संत महात्मा बन जाओ, कोई भी आपसे कुछ भी मांग रहा है ये ले, दौलत भी ले लो, शौहरत भी ले लो, घड़ी भी ले लो मेरे सारे कपड़े, तो ये सब जो बिहेवियर है इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहा जाता, ठीक है। ये एक गलत पैटर्न है जो लोगों का जो सोचने का तरीका है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है, ये नहीं। या मेडिटेशन कर रहे एकदम साध्वी बन गए, बिल्कुल एकदम संत महात्मा के जैसे स्लो स्लो बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे से बोलते हैं टैरो रीडर होकर दीदी इस तरह बात करते हो, अरे टैरो रीडर मतलब जान ही ले लो आप लोग तो हमारी तो सो ऐसा नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके सोच विचारों में बदलाव, ठीक है, और उनके सोचों विचार में बदलाव। हो सकता है पर्सन पर्सन ही आपके ऑलरेडी सही हैं, अब ये तो आप मैं मानेगा ही नहीं कोई भी, मुझे मालूम है आधे लोग तो यहाँ पे ही हल्ला बोल देंगे। पर्सन पर्सन ही का सही, सही का मतलब ये नहीं कि हमेशा सही है, इसका मतलब हो सकता है कि वो जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो कर रहे हैं वो उनके लिए मजबूरी है, प्रॉब्लम्स है या स्ट्रेस है। हो सकता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि अच्छा मैंने किया तो रिटर्न में ये भी वैसा ही करे, ठीक है। ये जो हमारे अंदर की सोच बदल जाएगी ना, जब मतलब हम ऐसा सोचने लगेंगे कि अच्छा ये डिफरेंट पर्सनालिटी है, मैं डिफरेंट हूँ, अगर मैंने किया इसका मतलब ये थोड़ी ना ये भी यही करेगा। मैंने अगर बर्थडे पर सरप्राइज दिया दैट डजेंट मीन कि ये भी मुझे बर्थडे पर सरप्राइज देगा। जब ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है ना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जब आपको समझ में आता है कि हम दो अलग व्यक्ति हैं, हम दोनों के सोचने का डिफरेंट तरीका है, हम दोनों ही अलग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको मैसेज कर रही हूँ तो घोड़े पे सवार होकर ये भी 10 मैसेजेस करे, मैं इससे बात कर रही हूँ तो ये भी मुझे बिल्कुल भाव ही देने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि आप बोलते हो कि ठीक है यार बिजी होगा, ठीक है यार कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट आप क्रिएट करते हो जहां पर आप बोलते हो कि ठीक है यार इट्स ओके, तब आपके संसार में ना ये तरीके की उम्मीद रेडी होती है उस पर्सन या पर्सन से, जब वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके संसार में ढेर सारी खुशियां लाएं, साथ ही साथ आप खुश रहें। देखो जीवन में ना कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता है, कोई भी नहीं करती है कि आप दुखी रहें, आपकी ज़िंदगी में आप बार बार बस कॉम्प्रोमाइज करें, सेक्रीफाइस करें और पेन में रहें, तकलीफ में रहें और सामने वाला मजे लेते रहे, इन्जॉय करता रहे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सामने वाले आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनके भी साथ आप इन्वॉल्व हुए ना, वो हमेशा अपने आप को ऐसा ही देखना चाहेंगे कि आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, दोनों हाथ में हाथ लेकर इधर घूम रहे उधर घूम रहे इन्जॉय कर रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न चाहता है। कोई भी नहीं चाह रहा है कि मैं भाई इसका हाथ पकड़ कर चल रहा हूँ, मैं इधर बड़ी बत्ती सी लेकर घूम रहा हूँ और दूसरी तरफ ये रोती हुई चालू हो गया, मतलब इस तरीके से आप खुद भी इमेजिन करके देखो क्या आप लोगों को ये पसंद आएगा, नहीं ना। तो ऑब्जर्व करो इस पैटर्न को, ये है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर बैठते हैं कि यार
इसके अंदर काश मेच्योरिटी आ जाए, अंडरस्टैंड करे कुछ चीज़ें अगर नहीं हो पा रही तो उसमें कॉपरेट करने की कोशिश करे और समझे कि भाई यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ पे ये पॉसिबल है। हर चीज़ को एक फिल्मी दुनिया बना देना ना, ये एक डिफरेंट चीज़ हो गया। अब लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गए, अरे कमिटमेंट लेकर आ रहे मैं तेरे बिना, स्टेबिलिटी तो तुझे लानी ही पड़ेगी, तुझे कदम उठाना पड़ेगा, स्टैंड लेना। तो इनका ऐसा है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना, मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ, तुम अपनी एक अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अगर तुम्हारे लाइक आपके दोनों के बीच में मान के चलो कि थर्ड पार्टी जो है, आप दोनों के इन लॉज मतलब आपके इन लॉज हैं, तो आप बार बार सोच रहे हो कि आपके पर्सन बोल क्यों नहीं रहे, इतना आपके इन लॉज आपको तंग करते हैं, आपके जो पार्टनर है बोल क्यों नहीं रहे, आपके हस्बैंड कुछ बोल क्यों नहीं रहे, वाइफ कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और वो जो है बार बार बोल रहे हैं कि मम्मी पापा की सुन के चला करो यार, थोड़ा सा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, तो आप बार बार बोल रहे हो स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, स्टैंड क्यों। तो वो उनका ऐसा सोच विचार होता है कि पहले तुम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लो, थोड़ा तुम मैच्योरिटी दिखाओ, थोड़ा तुम चीज़ों को सब्र से संभालने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे मैं भी स्टैंड लूंगा जहां पर मुझे जरूरत लगेगा। मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ, उम्मीद मत करो कि तुमने चुटकी बजाई और मुझे अभी तुम्हारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका पैटर्न है ना, इससे क्या होता है ना कि फेडअप हो जाते हैं और परेशान होकर फिर दूर भागने लगता है पर्सन या पर्सन ही। तो ये जो है ना, इसको प्रॉब्लम जो है ना आपका उनके अंदर घुसने की, ये पैटर्न को चेंज करो, ठीक है। और ये यूजुअली आधे से ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है। मैं एग्जैक्टली कहूंगी कि आप में से काफी लोग जो है एग्री नहीं करें शायद इस बात से, कमेंट बॉक्स में बता देना, बट सच्चाई ये है कि ये फैक्ट है। आप जो है ओवरली इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन या पर्सन ही आपको भी उसी लेवल का प्यार दे। रिटर्न में आपको गिव एंड टेक चाहिए कि भाई गिव दिया, भले रिटर्न में आपको 4% 3% मिले, लेकिन आपके हिसाब से मिले जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। पर क्या है ना, इच्छा का एक ऐसा स्वरूप होता है ना कि जहाँ पर इच्छा आसानी से खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम यह है ना कि आपके पर्सन भी ये बात मानते हैं और आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि इच्छा का एक ऐसा पैटर्न है कि कल अगर आपको आपके कहने पे इस पर्सन ने स्टैंड ले लिया, ठीक है, मान के चलो आप इनसे बोल रहे हो शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ली, इन लोगों ने शादी कर ली, अब शादी के बाद होता क्या है कि आपके इन लॉज में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, नया नया घर है, इन लॉज एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, रिलीजन कास्ट के प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने शादी कर ली, ठीक है, अब मुंह तो फुलाएंगे राइट। तो अब इस पर भी आप उनके ऊपर चढ़ जाओगे कि अरे वो देख कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, तू कुछ बोल ही नहीं रहा है, तू कुछ कर ही नहीं रही, लाइक इस तरीके का। तो तुम स्टैंड लो, तुम एक्शन लो, तुम स्टैंड लो, तुम एक्शन लो, और सामने वाले बोले अरे भाई इसका खत्म ही नहीं होता, अभी शादी के लिए पगलाई फिर रही थी, शादी दे दी, शादी कर ली, तो उसके बाद अब मेरे फैमिली के लिए बोल रही है कि भाई ऐसा कहीं एडजस्ट ही नहीं कर रही, हर चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं स्टैंड लूँ। तो प्यार की परिभाषा ना कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइस करना सिखाती ज़रूर है, लेकिन वो इक्वल ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना ओवर गिविंग हो, भाई तू प्यार ले ले, सब कुछ ले ले, मेरा जिंदगी मेरी तेरी, भाई तू जैसा चाहिए ट्रीट कर, मार भले मेरे को बिंदास, मेरे को गाली दे चलेगा, नहीं इस तरह का भी सही नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी लाओ, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप उनके साथ मैच्योरिटी से बिहेव करोगे, आप बताओगे कि आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो अपने आप में ही पूरे हैं, जिसका एक अपना अस्तित्व और वजूद है, जो अपनी जिंदगी में खुश रहना जानता है चाहे ये है ना है, ताकि ये आपसे इंस्पायर होकर आपके पास आने के बारे में सोच सके कि यार ये बड़ी खुश रहती है या बड़ा खुश रहता है, भाई मेरे को ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छी चीज़ें ही आपको ज़िंदगी में चाहिए ना, किसी को बुरी चीज़ चाहिए क्या? रोता हुआ इंसान तो डेफिनेटली किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा पैटर्न आप अपने पर्सन या पर्सन ही का समझने की कोशिश करो, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं, ओके ये तो बहुत जल्दी आ गया, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। ये लास्ट है, हाँ उसके बाद मैसेजेस निकाल लूँ, चलो निकाल लेते हो, बोल दिया तो निकालना पड़ेगा। फॉरगिवनेस, इनसिक्योरिटीज, रिकवरी। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के ना रहें, छोटी छोटी चीज़ों पे कभी कभी माफ भी करना सीखें। अब बड़ी मुद्दे भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े काम ऐसे कर लिए आपके पर्सन या पर्सन ने जिसमें उनको उम्मीद है कि आप उनको माफ कर दें, ठीक है, ये भी हो सकता है। ओवरऑल इनको चाहिए कि आपका दिल इतना बड़ा हो कि आप आसानी से लाइक चीज़ों को लेट गो करना सीखें। इनसिक्योरिटीज़ हैं तो इनको कहीं हद तक लगता है कि कभी कभी आप दूसरों को सबसे ज़्यादा भाव देते हो, या हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो दूसरों को थर्ड पर्सन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे, आपको जो है रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको इक्वल प्यार नहीं दे रहे, बट एक्चुअली वो कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे अपना बेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि वो उधर जाकर घर पे सो गए और आपने जो है बोला कि 12:05 मतलब तुम 12:05 तुम मुझे मैसेज कर रहे थे, 12 बजे तुमने मैसेज किया, मतलब तुम जो है इंजॉय कर रहे हो थर्ड पार्टी के साथ। तो ये एक प्रॉब्लम जो है आप लोगों के साथ जो क्रिएट हो रही है, ये पर्सन आपके आपके पर्सन को नहीं पसंद आ रहा, ये चाहते हैं कि ये इनसिक्योरिटी का जो ये पागलपन का लेवल आपका है ना वो खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि आप खुद को खुद हील करें और एक पॉजिटिव इंसान बने जैसे आप पहले थे,
वैसी पर्सनालिटी बने जैसे आप पहले हंसते थे, छोटी छोटी बातों पे आपको हंसी आ जाती थी, आप इनको हंसाया करते थे, मस्ती खोर बन गए थे, लाइक हर छोटी छोटी चीज़ पे आप इतना चिढ़ाते थे, खून बोलते ना नाक में दम कर देते थे, बिल्कुल ना खून पी लेते थे इनका, तो वो चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। लेकिन मस्ती वाली चीज़ें, ठीक है, पॉजिटिवनेस नहीं अच्छा लगता किसी को भी, एक बोलते ना एक सर्टन स्टेज तक अच्छा लगेगा। अब एक बात बताना कि जस्ट इमेजिन, लाइक उदाहरण है, अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि मुझे कुछ उल्टा जवाब दे दें, लेकिन एक सिंपल सी एक बहुत पुरानी मूवी है, डर मूवी, राइट, डर नाम था उसका, उसमें ना जूही चावला थी, राइट, जूही चावला के सामने एक तरफ तक किरण शाहरुख खान, जो शाहरुख खान तो उनका नाम मुझे नहीं याद, राहुल, राहुल था शायद उसका नाम उस पिक्चर में, ठीक है, तो वो जब हाथ वात काटता रहता था, जब देखो कुछ ना कुछ ऐसे पैतरेबाजियां करता था, वो मतलब बोलता ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि जूही चावला इरिटेट हो रही थी, डर रही थी, पैनिक होने लगी, ठीक है। दूसरी तरफ जो है सनी देओल, जो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बिल्कुल इतना सब प्रॉब्लम सर्कमटेंसेस खराब होने के बाद भी उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उससे शादी कर लेता है, ठीक है। तो अब ऐसे में बताओ कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको मौका मिले, आपको किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, शाहरुख खान या सनी देओल, दोनों में से कौन सा चाहिए? अगर लड़के हो तो भी अपना दिमाग लगाओ, उसे वो उदाहरण भी है, वरना शुरू हो जाओगे नहीं नहीं दीदी हमको तो दोनों ही लड़के नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए, ठीक है, तो ये दिमाग मत लगाओ, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो शाहरुख खान चाहिए या सनी देओल? ऑब्वियसली आंसर्स में जानती हूँ, शाहरुख खान नहीं चाहिए ऑब्वियसली किसी को भी, सनी देओल ही चाहिए क्योंकि रोमांटिक था, लविंग था, घर दिया, स्टेबिलिटी दी, सब कुछ दिया, राइट। लेकिन सनी देओल ने खुद से किया, जूही चावला ने क्या किया, जूही चावला ने सर्कमटेंसेस देखे कि बहुत बुरे हैं, तो वो उधर से जाने लगी उसको छोड़ के कि यार ये मेरे कारण सफ़र कर रहा है, लेट इट बी, मैं आगे बढ़ती हूँ। खुश रहती थी अपने आप में, मस्त रहती थी, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है अब दुविधा का टाइम आ गया, मुझे अकेले फेस करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, मैं इसे क्यों लेकर जाऊँ। पर क्या हुआ, रिटर्न में उसने प्यार दिया, ठीक है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी डेफिनेटली सनी देओल ही पसंद आया ना, कुछ लोग हो गए जो किरण पसंद आया होगा, जो इस तरह का स्टूपिड कमेंट में, मेरे को मालूम है कोई ना कोई मस्ती जरूर करेगा, तो ये जो कर रहे हो ना, शाहरुख खान किसी को भी अच्छा नहीं, तो रियलिटी ऐसी हो गई ना कि आप जो हो ना, आप लोगों की जो पर्सनालिटी है वो अब शाहरुख खान में कन्वर्ट हो गई, आप पहले सनी देओल थे, अब आप शाहरुख खान बन चुके हो, और ये शाहरुख खान उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको चाहिए कि सनी देओल बनो आप, लविंग, केयरिंग, स्टेबिलिटी, अपने अपने काम में एकदम एक नंबर, लाइक फोर्स में इस तरह के, लाइक इंसान जो अपने काम में भी बहुत ज़्यादा नाम होता है ना, नाम से जाने जाते हो, सीनियर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लाइक इस तरह की पर्सनैलिटी बनो जो सब जगह बेस्ट है, लोग उनके उसकी फैमिली के साथ उठ बैठ रहा है, जूही चावला की, लाइक अनुपम खेर इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ इंजॉय कर रहा है, स्माइल कर रहा है, हंसा रहा है, मस्ती कर रहा है, होली खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसी एक पर्सनालिटी बनो ना, कि शाहरुख खान जो अकेले एक बंद कमरे में बैठा हुआ एक किरण कर रहा है, इधर नसें काट रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, बाल नोच रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है, उसके हनीमून, उसकी शादी हो गई, उसके हनीमून पे भी जाकर घुस घुस के देख रहा है कि क्या कर रही है, एंड में क्या हुआ देखो, सबको पता है आंसर क्या हुआ था, है ना दीदी, कहाँ से लाती हो ये उदाहरण, अरे मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं कैसे इस फ्लो में पहुंच जाती हूँ और कौन सी पिक्चरें मेरे दिमाग में आ जाती हैं अचानक से, बहुत पहले की पिक्चर है वैसे, बट ओवरऑल जो आप लोगों की एनर्जीज है ना यार, ब्यूटीफुल है, बस इस चीज़ को ना पॉलिश करने की जरूरत है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये एक आपके लिए सिंपलेस्ट उदाहरण है जिसमें आपको शाहरुख खान नहीं सनी देओल बनना है, ठीक है, जब आप सनी देओल बनोगे तभी तो जूही आपको जो है गले, जूही चावला जो है गले लगाएगी, अब अगेन जो है लड़का लड़की जो अपने आप में डिफरेंसेस समझने लगे हो, नहीं दीदी मुझे लड़का नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, व्हाटसो एवर, प्लीज भाई मेरी माता मेरे दादा उदाहरण है, समझ लेना, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेज मेरे जान का मैसेज, आपकी जान मेरी नहीं, ये मैंने बहुत पहले रिंगटोन सुना था, बहुत ब्यूटीफुल सा था, क्यूट। सो ये पांच मैसेजेस हमारे सामने आ गए हैं जिसको मैंने निकाला है आपके पर्सन पर्सनी की तरफ से, चलो देखते हैं। सोसाइटी इमेज, तो आपके पर्सन जो है या आप जो है सोसाइटी इमेज चाहते हो, लाइक मैंने बोला ना स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, समाज में नाम चाहिए, आई एग्री, ज़रूरी है, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टेबिलिटी चाहिए, बिना शादी के क्या मज़ा, वो लाइफ ही क्या, वो अलग एक अलग सोच विचार होते हैं, आई एग्री, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन इसको लेकर पगलाना एकदम वो हो जाएगा कि अब भी करो, सब्र दिखाओ, अगर प्यार है तो सालों साल सब्र करो भाई, फिर कुछ साल रुक जाओ, आराम से करो, घाई क्यों कर रहे हो, उनको जब सही लगेगा वो शादी कर लेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, आपकी हरकतें जो है इतनी इस तरह की रहती है कि उनकी सोसाइटी में उनकी नाक कटा देते हो नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जो उनको डर लगता है, सोसाइटी इमेज के कारण वो आपको कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ दे नहीं पा रहे, तो आप जो है इस बात से इरेटेड हो जाते हो, तो थोड़ा कभी कभी हालातों को समझा करो। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम,
सो ये गाना भी ना कई हद तक ये क्लैरिफाई कर देता है कि आप वो पर्सनैलिटी नहीं रहे जैसे आप पहले हुआ करते थे, और साथ ही साथ वो भी वो पर्सन नहीं रहे जैसे वो पहले रहा करते थे। तो ये पर्सन पर्सन ही में बदलाव, और साथ ही साथ आपके अंदर भी बदलाव आया। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको सिर्फ उनके बदलाव दिख रहे हैं और आप उनको जो है सिर्फ आपके बदलाव दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब बदलना दिख रहा है और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। 777 स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, अवेकनिंग आ जाए, अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। लर्न टू फाइट अपने प्रॉब्लम से, अकेले लड़ना सीखो, लर्न टू फाइट अलोन है क्योंकि अकेले ही अपने योद्धा बनना सीखो, पावरफुल बनो, ठीक है। फेस चैलेंजेस, आपने अपने आप में ही चैलेंजेस को फेस करना सीखो, ये मत सीखो कि भाई चिपकली है तो वही आकर मारेंगे या ये वही भगाएंगे, ये मत करो, खुद अपनी चिपकली को भगाना सीखो, ठीक है। न्यू लव लाइफ उदाहरण था, उदाहरण था न्यू लव लाइफ, नए लव लाइफ को भी फोकस करो, और भी चीज़ों से प्यार करने की कोशिश करो। जिंदगी में एकमात्र एक ही पर्सन को लेकर पगलाना सही बात नहीं है। शाहरुख खान मत बनो, सनी देओल बनो। एक सेकेंड, डू यू स्टिल लव मी, तो इनको लगता है कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो कि नहीं, या सिर्फ नौटंकी कर रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेजीनेस है, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, हर बार मैं ये तू तू यही चल रहा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपका प्यार बीच में खोता चला जा रहा है। आपने प्यार को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, या करता भी है नहीं कि नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है क्या इसको, लाइक उस तरीके की पर्सनैलिटी, मतलब वो सोच विचार इनके अंदर आ गया है कि आपको लेकर इनके दिमाग डिफरेंट लेवल पर चला गया है। लास्ट मैसेज, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, वो भीगी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। सो बहुत ही रोमांस था आप लोगों की ज़िंदगी में, बहुत प्यार, बहुत लव, इतना पागलपन, इतना पैशन की क्या ही बताएं। बट आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, दोनों की ही बात कर रही हूँ, चलो आए बड़े, मतलब सिर्फ आप ही की गलती नहीं है, उनकी भी है, दोनों की गलतियाँ, दोनों के बीच में कितनी मनमुटाव आ गए। तो वो चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं जो आप पुराने हुआ करते थे, वही चीज़ें आप भी मिस करते हो, ठीक है। तो पर्सनैलिटी है, चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन इनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की आदत डालो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से रीडिंग। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, ठीक है। और ब्रेसलेट बनवाना है तो मैंने डीलर का नंबर डाल दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं अपने लिए। और यस, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर मैंने दे दिया है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी कारण से फ्री नहीं होती। एंड उसके अलावा शेयर, लाइक, फॉलो, जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब चीज़ कर लो, ताकि बोलना ना पड़े। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने मस्त वाला लाइक चिपका दिया थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से सभी को, लव यू ऑल। और अगर लगता है कि किसी से कनेक्ट हो रही है ये पूरी बात, जो भी है, किसी को ज़रूरत है इस रीडिंग की, तो डेफिनेटली आप उनको भी शेयर करो, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।